हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बच्चों कुछ जूम पे नया शुरू हुआ है ना, ये जो अनाउंसमेंट ही करता है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस सर। बता रहा है वो कि शक्ल ठीक कर लो अपनी, है ना, फिर रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ जी, तो बच्चों फिर ये कर दिया सबने क्वेश्चन। चलो अब बच्चों ऐसा है, सबने ना एक-एक करके आंसर्स भेजने हैं। लेट अस सी कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का गलत हुआ है। तो हर कोई चैट में सबसे पहले ए पार्ट का आंसर भेजो। सिर्फ ए का भेजना, अभी हर कोई भेजो। इसने नहीं भेजा एलोजियम, उसने काम नहीं किया। ना वो कैमरा ऑन करके अपने आप को थप्पड़ मारेगा सबके आगे। ठीक है, बोलो। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्यों सक्षम, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो। जसराज, भाविक, पता मुझे पता नहीं तुम्हारा सही है गलत है, मैं तो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। बोलो। देखते हैं का क्या मतलब है कि अगर ठीक है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। चलो लेट अस सी। पहला आंसर 27/6, दूसरा 244.5, तीसरा 4.5। फटाफट कर ही देता हूँ। तो ऐसा आएगा कैसे, इंटीग्रल 1/4 ऑफ 2t² - 13। +20 dt ये बन गया t³ -13/2t² +20t विद लिमिट्स। सर वहां पे 2/3 नहीं होना चाहिए सर, t³ की जगह। हाँ बिल्कुल। यस सर, 2t³/3। तो 2/3 × 63
माइनस 13 बाय 2 इंटू 15 प्लस 20 इंटू 3। सर वहां पे 64 नहीं आना। कहां पे? नहीं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 माइनस 1 63 नहीं हो जाएगा? ओके सर। तो ये क्या बन गया, 42 प्लस 60 माइनस 13 इंटू 15 बाय 2 कितना होता है बच्चा, 13 इंटू 15 9 बाय 2। हाँ भाई शेरों दिखा दो कैमरा पे अपनी शक्ल, जिन जिन का गलत है। इतना तो कर सकते हो, कैमरा तो शक्लें तो दिखा सकते हो जिन जिन्होंने गलत किया। आयुष स्टैंडर्ड है लोग, आयुष जसराज भाविक शुभम सर 27 बाय 6 9 बाय 2 ही तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है कुणाल, बहुत लोगों ने आंसर नहीं भेजा भाई, क्या चक्कर है? मोहक आपका कहाँ है आंसर? सौम्य शेखर का भी नहीं दिखा मुझे शायद। आश्वित ने भेजे, ये क्या बात हुई सौम्य, जब मैंने कहा है कि भेजो वैसे तो हमेशा भेजना होता है, जब मैं कहूंगा कि हाँ भाई सोच के लिखो, अब जब मैंने कहा है कि भेजो तब भेजोगे नहीं है। ये इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मैंने आज मैंने कुछ गलत टाइम पे ज्वाइन किया क्या क्लास स्टार्ट किया? सर पहली क्लास पहले ये टाइम पे धीरज सर की क्लास थी। हाँ तो क्लास का टाइम तो 10:45 ही है। तो वो अनाउंसमेंट लेट पड़ी थी सर, जो उनसे अनाउंसमेंट थी वो बाद में देखी। अच्छा अच्छा तुमने मतलब गलत क्लास ज्वाइन कर ली ऐसा? यस। बी पार्ट करने के लिए सर एक पूछना था कुछ। हाँ सर हमें क्वेश्चन में गिवन है एट t = 2 x 2 है, मतलब अगर हाँ मतलब ये जो 9 बाय 2 है ये आंसर कब आया ना, जब हमने लिया t = 2 पे x1 x0। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने जान के ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। सी जो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जस्ट चेक करो ऊपर, इसमें हमने कहां कोई कंडीशन लगाई है? वो कांस्टेंट कब ऐड होता बताओ मुझे, अगर आपको एक्स पूछा होता, अगर आपको लेट से जैसे मान लो हम एक पार्ट बना ही लेते हैं, अगर हमें ये पार्ट दिया होता कि
फाइंड एक्स एट टी इक्वल टू टू, लेट से ये निकालना होता आपको, फिर आप मतलब करना सब कुछ वही था, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने अभी इंटीग्रल सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करते। इनफैक्ट है क्या ये क्वेश्चन, हाँ वो पूछा ही हुआ है, हाँ तो आ ही जाएगा। तो इस पार्ट में तो कोई रोल ही नहीं है, समझ आ रही है बात, हम तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। बी पार्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखोगे मतलब हमें पता ही है कि ऐसे केसेस में, चलो भेजो आंसर सारे। आयुष क्या हुआ, भेजा नहीं, जसराज अच्छा सौम्य मोहक भाई क्यों फटाफट क्यों नहीं भेज रहे हो यार, जो मुझे चैट्स देख के लग रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि आंसर इज 6.75, बट लेट्स चेक। अच्छा बच्चों आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ठीक है, मुझे अभी धीरज सर का मैसेज आया, प्लीज नोट, ये कोरोना ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, उनके भी शायद घर में किसी को हो गया। सर एक डाउट है, सर इस पे हम यूनिट्स कौन सी यूज करेंगे, यूनिट्स तो हमें बताए नहीं थे तो हम तो यूनिट्स में ऐसे ही लिखेंगे बस, वी कांट write anything else. Okay, sir. तो हमें पता है कि जब भी distance वाला पंगा होता है, we have to first of all check कि कहीं पे direction change तो नहीं हो रही है ना? क्या यहाँ पे बच्चों direction change होती है? इसके बच्चों इसको मतलब factorize करके क्या बनता है ये? 2.5 and 4. ये ऐसे बन जाएगा है ना, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी विल चेंज डायरेक्शन एट टी इक्वल टू 2.5 एंड 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट्स निकालनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, भाई 1 से 4 पूछा है तो 1 से 2.5 निकालेंगे हम है ना, और 2.5 से 4 निकालेंगे, दोनों का मॉड लेके ऐड करेंगे, तो ये जो हमारा इंटीग्रल था 2/3 टी क्यूब माइनस 13/2 टी स्क्वायर प्लस 20 टी
इसमें एक बार लिमिट्स चलेंगी 1 से 2.5 और फिर एक बार इसमें गलेंगी 2.5 से 4 तो इसको करके बचो आंसर 6.75 आता है। यस सर। तो किस किस का ठीक है देखें। आई थिंक आपने से कई लोगों ने फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है ना 27/4 नहीं 27/4 तो नहीं बनाया। हाँ ठीक है बन गया। तो गुड मोहक मोहर किसका ठीक है मंजोत वंशिका सुहानी सक्षम ये 4-5 लोगों का ही ठीक दिख रहा है मुझे जिन्होंने दिया। क्या नेगेटिव साइन सर मॉड नेगेटिव साइन सर ओपन नहीं हो है 2.5 से 4 हाँ सो नेगेटिव साइन आपने डाला नहीं ना मतलब मॉड रहेगा दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना है जो भी बनता है। अच्छा मैंने जसराज आपका पहले वाला देख लिया था बच्चों ये मतलब दिस इज वेरी बैड बहुत कम लोगों का ये ठीक है। अगर आप देखो दिस क्वेश्चन इज सेम एज जो मैंने आपको वो स्टार प्रॉब्लम दी थी मतलब उससे आसान ही है रादर। इसका मतलब क्या है कि यू हैवंट इवन बॉदर्ड कि हाँ देखें कि उसको क्या करना था कैसे करना था। बच्चों अगर हम सोचते हैं ना कि हाँ जी हमें आईआईटी में जाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से एफर्ट करना पड़ता है अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर ऐसे आप अपनी ओवर स्मार्टनेस में ही रहोगे ना कि हाँ हम पता नहीं क्या है बहुत बुरा गिरोगे। ये तो अभी हम स्टार्टिंग पे हैं मतलब सबसे इजी चैप्टर्स मतलब कैसे आप इन क्वेश्चन को गलत कर सकते हो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन गलत करने का क्या मतलब बाकी बस इंटीग्रेशन ही गलत की हो सकती है। चलो सी पार्ट के आंसर्स भेजो सारे। मुझे सबके आंसर्स चाहिए जिसने नहीं किया है ऑनेस्टली बताओ कि नहीं किया। जिसके नहीं आए अगले 20 सेकंड में आंसर मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा तुम सुधरते नहीं हो वैसे।
क्या था? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू टू एंड टी इक्वल टू फाइव. तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो आपको टू से फाइव की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? वी डी टी अपॉन टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड्स. तो ये कितना बन गया? 2/3. ये वी डी टी तो हमने ऊपर बहुत बार कर लिया, सीधा इसमें लिमिट्स डालते हैं. तो 2/3 इंटू 5³ - 2³ कितना बन गया? 5³ कितना होता है? 125 - 8 117 -13/2 इंटू 5² - 2² 21 प्लस 20 इंटू 3 है ना. Whole divided by 3. So, we are going to have 3, 3, 0. कितना हो गया बेटा? 0.5 मीटर. और 0.5 ये एग्जैक्ट आता है? 0.5. यस सर. तो अगेन कितने लोगों का गलत था? मोहक, नित्यम, भाविक ने तो कसम खा लिया कि सही लिखना ही नहीं है. दर्श, वीर, अरिजीत, ये सब गलत वाले बता रहा हूं मैं. आश्वित, हर्षप्रीत, आयुष, तुम्हारा तो दिन बुरा है आज. हैं सर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी पहले, बाद में सही भेज दिया था. मैं तो पहला आंसर मानूंगा. टाइपिंग मिस्टेक क्या होता है सर? यहां पे दिखा देता हूं, कॉपी में दिखा देता हूं. नहीं नहीं मुझे नहीं पता. एग्जाम में कोई आपकी कॉपी देखने आएगा? जो मार्क करोगे वही माना जाएगा ना. सौम्य गलत, ऐना गलत, जसराज, देविक गलत. तो सक्षम फिर क्या करें? अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा था तो जस्टिफाई हो गया सब कुछ तुम्हारे लिए. एक बच्चों फिफ्थ ऑप्शन ऐड करवाऊं टेस्ट में कि जस्टिफिकेशन फॉर रॉन्ग आंसर, अगर वो ठीक हो तो मतलब फिर उसके भी मार्क्स मिल जाया करें कि सिली मिस्टेक थी सर, या गलत पढ़ लिया था, या कॉपी में ठीक लिखा था, है ना, फिर उसके मार्क्स दे दिया करेंगे आपको. डी पार्ट बताओ बच्चों. अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. अच्छा अगर सेकंड पार्ट हो गया तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, है ना? कुछ ऐसा तो है नहीं. यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा. अब अगेन टू से फाइव था तो आपको मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी. 2 से 2.5 + 2.5 से 4. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो दिस होल अपॉन 3
सर 4 से 5 भी लेंगे सर 4 से 5 भी आएगा हां हां बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट टू से फाइव था ना टाइम यस सर हाँ जी मुझे बताओ ये सही सही करके क्या बनता है बच्चों इसमें तो सबके अलग आंसर है सिर्फ एक 1.25 आंसर है जो दो तीन लोगों का कॉमन आया बाकी तो सबके ही अलग आए नहीं मुझे फ्रैक्शन में दो एग्जैक्ट आंसर अप्रॉक्स नहीं चाहिए अभी तक तो मेरे पास सारे आंसर अलग अलग आए हुए हैं बच्चों बच्चों कर लेना इसको देख करके बताना मुझे क्या आता है सही पर दोबारा सॉल्व करके देख लो क्या अच्छा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स मैच कर लो हाँ इफ इट हेल्प्स पहले वाले की क्या बनती है 2 से 2.5 मेरे पास दो अलग आंसर्स आए हैं बच्चों देखो एक शॉर्टकट मारूंगा मेरे ख्याल से चलता है सिस्टम चलो आप निकालो मैं तब तक टाइम पास कर रहा हूँ
नहीं इसके बस का नहीं, तुम ही कर सकते हो। 2 से 2.5 तक 11/24 आता है बच्चों? नो सर, सर अप्रोक्सीमेटली 2। सर 11/24 ही आता है, वो 0.46 बन जाएगा। 11/24 कह रहे हैं बच्चों ज्यादातर लोग, जो कि 0.46 है। आगे 2.5 से 4, ये तो पहले भी की हुई है हमने, 2.5 से 4 तो है ना, ये ऊपर सेम ही है, ये क्या बनती है? नाइन बाई एट। और थर्ड का थर्टीन बाय सिक्स। ओके okay. तो इसके हिसाब से फिर क्या बनता है भाई? फाइव बाय फोर। एग्जैक्ट 5/4 बनता है। ओके फर्स्ट का एक का चेक कर लेते हैं, 2/3 इंटू 36 और कितना हुआ बच्चों? 125 माइनस 64 का हुआ 36। ये बनेगा 61। देखो इससे क्या बनता, सर मैंने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस लेके किया था। नहीं एग्जैक्ट निकालो, इलेवन बाय 24 बन रहा है या 4.6 बन रहा है?
11 by 24 ही बन रहा है। हाँ जी ई पार्ट, चलो बच्चों आंसर्स भेजो। वन है, चलो ये फिर भी मेजॉरिटी का तो ठीक है। इसमें तो बच्चों क्या ही करना था, वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 2 अपॉन 3। F part x v a at t equal to 2, बच्चों जैसे मैं बता रहा था आपको पहले, देखो यहां पे आप ऐसे लिखोगे बच्चों displacement is equal to integral v dt from 0 to 2, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो यहां पे आपका यूज हो गया x2। क्लियर हो गया कुणाल जो आपने मेरे से पूछा था पहले? यस सर। ये किसी और ने भी पूछा था मेरे से शायद, एना पता नहीं, कृपा लेनी है ना, क्लियर हो गया ना टू वाला। ये क्या आता है राइट साइड पे, ये 0 टू 2 इंटीग्रल, ये इंटीग्रल तो रट गया होगा इतनी बार कर लिया हमने। ये बच्चों राइट साइड क्या बनती है, टू बाय थ्री इंटू एट माइनस 13 बाय टू इंटू फोर प्लस 20 इंटू टू, ये बनेगी ना। ये क्या बन गया 40 माइनस 26 14 प्लस 16 बाय 3, तो ये 58 बाय 3 बनेगा। तो x बन जाएगा आपका 64 बाय 3। आप में से कुछ लोगों का मुझे वो शायद आपने इंटरचेंज करके ना लिख दिया, v तो 2 बन गया है ना और a बन गया माइनस 5 है ना। g पार्ट क्या आता है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आसानी है, निकालोगे कैसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट?
कौन सा सेकंड का है? थर्ड सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टू सेकंड्स। ये बच्चों 1/6 आएगा। और सिमिलरली डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड 3/4 आ रहा है बच्चों, है ना। इसको फिर स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि वो 2.5 का पंगा है, तो आपको पहले 2 से 2.5 का निकालना पड़ेगा, 2.5 से 3 का निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके फिर थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आएगा। ओके एच पार्ट, तो एच नो डाउट थोड़ा सा टफ था, तो मैंने इसीलिए लिख भी दिया था कि अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीटी ग्राफ बच्चों बनाते हैं, वो कैसा बनेगा मतलब ये मैंने फिर भी दे दिया था क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको बनाना आता है ना। तो जो वीटी ग्राफ है वो तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो वो इस तरह से बन जाएगा, जहां पे ये पॉइंट्स आपके 2.5 और 4 है ना। अब अगर हम अगली बात करें बच्चा एक, चलो अभी करते हैं। तो जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन बन जाता है हमारा? 4p-13, है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है। नहीं गलत लग गया मेरा सर, वहां एक्स एक्सिस पे 13/4 नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ जी 13/4 राइट। एंड अब बात करते हैं बच्चों हम एस टी ग्राफ की। देखो बच्चों एस टी ग्राफ में जो बेस्ट हिंट मिलता है वो तो एक्सेलरेशन से मिलता है ना। हमें दिख रहा है कि ये 13/4 तक जो एक्सेलरेशन है वो
नेगेटिव है ना, उसके बाद पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब किस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए? डाउनवर्ड पैराबोला, करेक्ट। अब उसमें भी जो देखने वाली बात है इंटरेस्टिंग, कि हमें एक तो ये पता चल गया कि 13/4 तक डाउनवर्ड पैराबोला है, उसमें भी हमें ये दिख रहा है कि देखो बच्चों अगर मैं और पॉइंट्स मार्क कर लूं कि ये एक तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं है ना, जिसपे कि शायद ग्राफ के बिहेवियर में कोई चेंज आएगा। तो भाई जीरो से शुरू होना है डाउनवर्ड पैराबोला और 2.5 तक हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव। सर हाँ जी सर, t इक्वल्स टू जीरो पे x की वैल्यू 2 दी हुई है हमें, तो ओके उसे फिर क्या करें? क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ पूछा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा है ना। तो ये बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला का ये वाला पार्ट आएगा, सोचो सबको समझ आते हैं है ना। और मेरे लिए चेक पॉइंट क्या है कि 2.5 पे स्लोप जीरो होनी चाहिए, वो मैंने कर दी। कुछ ऐसा बन रहा होगा 2.5 से 4 के बीच में, नहीं 2.5 से मतलब जो भी पॉइंट है इन बिटवीन 13/4 उसमें तो स्लोप नेगेटिव ही होनी चाहिए है ना, और वो हो भी रही है। फिर 13/4 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अब अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। तो अब अपवर्ड पैराबोला का और 4 पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। Isn't it, बच्चों? Yes, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में ओलंपियाड में बिल्कुल आ सकता है। हाँ 4 पे स्लोप जीरो होगी क्योंकि 4 पे वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो ही दिखाई हमने। ठीक है, तो मतलब ये नीट और मेंस के हिसाब से टफ है, बट बाकियों में आ सकता, आराम से आ सकता। आ गया समझ बच्चों क्वेश्चन?
जीरो स्लोप का क्या मतलब होता है नितिन? जीरो स्लोप का मतलब होता है कि उसका वहां पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। हाँ तो मैं कह रहा था बच्चों, आपने एक चीज मिस कर दी थी पिछली बार कि जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था वो क्या ला रहे हैं, क्या रिटार्डेशन है ना, तो वो भी ऐड कर देते हैं। और अभी ट्राई करो कि फाइंड द टाइम इंटरवल्स at which body undergoes retardation. चलो अब ये सब ठीक आंसर निकाल के दिखा दो मुझे।
हाँ जी, तो इसको चेक करने का क्या तरीका होगा कि आपका वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये आपका बन गया 2 इंटू टी माइनस 2.5 इंटू टी माइनस 4 इंटू एक्सेलरेशन क्या थी 4t-13। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हो एक अच्छा सा क्वेश्चन बन गया वेवी कर्व का। तो ये 2.5 4 13/4 कैसे बनाते हैं बच्चों, मैं भूल गया, राइट से लेफ्ट से कर्व बनती है? सर राइट साइड, राइट साइड से पॉजिटिव साइन आते हैं ऊपर से। यस सर। सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। सर अभी भी नहीं दिख रहा। सर 13/4 4 से पहले नहीं आएगा? यस यस। कैसे बनेगी बच्चों आपको? यस सर। तो इससे आ गया कि t less than 2.5 and t between 2.5 sir. ओके करेक्ट। एक्सेलरेशन के साइंस ऑपोजिट तो दिख रहा है हमें कि जैसे 2.5 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, फिर 13/4 से 4 तक है ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा परफेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ना, जब भी आपने सोचो कि काइनेमेटिक्स रिवाइज करना है ना, बस एक ये क्वेश्चन कर लो, अपने आप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ए टू जेड रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना।
और ये मतलब आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जैसे मतलब मैथ्स भी इसमें ठीक ठाक यूज हो गई है ना सर. जोनसा जब टी इज इक्वल टू 0 है तब भी तो रिटार्डेशन हो रही है. हाँ तो 0 2.5 से कम ही है सर. तो सर स्क्वायर ब्रैकेट आएगी तो ग्रेट. मैंने तो ब्रैकेट लगाई नहीं. मतलब कि लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा फिर साथ में. हाँ हाँ फिजिक्स में इतना चक्कर नहीं होता बच्चों. वो सब ठीक है. वो मैथ्स में टेंशन होती है इतनी स्क्वायर ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट. ठीक है ओके बच्चों. सो दिस इज क्लियर टू ऑल. आगे बढ़े अगले चैप्टर पे.